कोई हर सवाल ये नहीं है लेकिन बताने का मकसद ये है कि कुछ अटैम्प्ट छ कर ये सवाल हमें नज़र आता है और इसमें कुछ बच्चे कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली बात फंस जाते हैं तो ऐसे सवाल जिसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स यूजली स्टकअप भी होते हैं अब आपने भी कुछ ऐसे सवाल आइडेंटिफाई करके मुझे यकीन बताने जिसमें आप लोग फंस रहे हैं बट जनरली अगर मसले नहीं है तो फिर उस केस के अंदर मैं खुद से भी रैंडमली कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा इनशाला तो क्वेश्चन नाइन इज वन ऑफ देम सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन

रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसका मतलब जिस ऑर्डर में पी एन क्यू है उसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना है कि पी की ट्वेंटी या क्यू की ट्वेंटी फाइव क्यू इज़ प्रोजेक्टेड जीरो पॉइंट फोर सेकेंड लेटर देन पी तो ये ये जो एक बात है ना इसमें भी कुछ बच्चे फंस रहे होते यहाँ मेरा एक सवाल आप सबसे है चैट पे आप लोग टाइप करेंगे इसका जवाब मतलब समझ तो आ जाता है लेकिन कुछ गलती बाद हो जाती है तो मैं खाली एक सवाल पूछता हूँ मैं देखता हूँ जवाब इसका क्यू इज प्रोजेक्टेड जीरो पॉइंट फोर सेकेंड लेटर देन पी तो अगर मिसाल है पी को टी सेकेंड हुए हैं चलते हुए तो उस वक्त क्यू को कितना टाइम हो गया होगा चलते इफ द टाइम फॉर पी एस टी सेकेंड what विल बी द टाइम फॉर क्यू चैट पे हर किसी ने अपना आंसर देना है If P is travelling for T seconds

इसके मिक्स रिव्यूज हैं कुछ कह रहे हैं कुछ लोगों ने नहीं दिया बेटा प्लीज टाइप कर ले सब आई एम वेटिंग क्विक दाऊद लाइबा सिंपल सवाल पूछा आपसे अगर पी को पी टी पी ने टी सेकंड्स दिए हैं तो क्यों कितने सेकंड्स दिए होंगे उसको अच्छा अब कुछ लोगों का जवाब आया है टी माइनस पॉइंट फोर कुछ का आया t टी प्लस पॉइंट फोर याद रखें टी माइनस पॉइंट फोर सही जवाब क्यू का टाइम होगा टी माइनस पॉइंट टी प्लस पॉइंट फोर नहीं होगा वजह क्या है ये सुन लें हम ये समझते हैं जो लेटर निकला जो बाद में निकला उसने ज़्यादा टाइम लिया ऐसा तो नहीं है अब सोचते दो दोस्त दो दोस्तों ने फैसला किया कि हम रेस लगाते सही है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी या मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू कर लेते हैं मिस्टर पी पहले निकल गए जैसे ही रेडी स्टडी ऑन मार्क गेट सेट गो हुआ तो रिएक्शन टाइम होता है कुछ स्लो रिएक्ट करते हैं कुछ जल्दी रिएक्ट करते हैं पी ने जल्दी रिएक्ट किया पी निकल गया और पी ने हंड्रेड मीटर रेस में हंड्रेड मीटर रेस करने में ट्वेंटी सेकेंड्स दिखे अच्छा और Q जो है वो थोड़ी देर बाद निकला Q थोड़ी देर बाद निकला जीरो पॉइंट फोर सेकेंड बाद निकला या वन सेकेंड बाद निकला मिसाल है लेकिन Q पहुंचा उसी वक्त जिस वक्त P पहुंचा था तो अब मैं आपसे पूछूं P ने कितना टाइम लिया तो जवाब था ट्वेंटी सेकेंड्स तो Q जो कि एक सेकेंड बाद निकला उसने कितने सेकेंड्स दिए होंगे उन्नीस सेकेंड दिए होंगे सेम डिस्टेंस कवर किए कम टाइम क्यू फास्टर हुआ मतलब तो याद रखें जो बाद में निकलता है वो टाइम कम लेता है नहीं 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 ये ये ये, ये रॉन्ग कनेक्शन है इसका इस वक्त स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है ये ये नहीं है कि ट्वेंटी फिफ्टी मीटर्स या हंड्रेड मीटर्स कवर करने में पी ने कितना टाइम लिया क्यों ने कितना टाइम लिया ये नहीं पूछा जा रहा स्पीड जिसकी ज़्यादा है वो कम टाइम ले रहा होगा नहीं ऐसा कोई लिंक नहीं अगर इन दोनों की स्पीड सेम भी होती इसकी भी ट्वेंटी होती इसकी भी ट्वेंटी होती दोनों ट्वेंटी की स्पीड से प्रोजेक्ट हुए होते तो यहाँ जो सवाल है वो है क्यू इज़ प्रोजेक्टेड पॉइंट फोर सेकेंड लेटर देन पी मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ने मिला दोनों ने एक मखसूस डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल की अगर पी ने एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी सेकेंड लिए तो क्यू ने कितना टाइम लिया होगा नहीं दिस इज़ नॉट आई एम सेइंग नॉट एट ऑल मैं ये कह रहा हूँ जनरली अगर इनकी स्पीड बराबर भी है तो जो ये स्टेटमेंट है वो मैटर करती है टाइम तो कहता हूँ कि वो टी सेकेंड है तो उस पॉइंट इन टाइम पे क्यू कितनी देर से ट्रेवल कर रहा होगा तो क्यू ट्रेवल कर रहा होगा टी माइनस पॉइंट फोर सेकेंड दिस इज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पी टी सेकेंड से ट्रेवल कर रहा होगा तो Q, T 4 से ट्रेवल कर रहा हूँ क्योंकि वो बाद में निकला जो लेटर निकलता है, वो कम लेता। है। कुछ ने टी प्लस पॉइंट फोर का कुछ ने टी माइनस पॉइंट फोर का तो सही जवाब ये है कि अगर पी का टाइम टी है तो क्यू का टाइम टी माइनस पॉइंट फोर होगा याद रख लें गलती आपने नहीं करनी नोट कर लें इस बात फिर पार्ट वन में कह रहा है फाइंड टाइम फॉर विच पीज हाइट अब द्राउंड अब देखिये ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाजो पूछता है फाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी तो टी का आंसर इन इक्वालिटी फॉर्म में दिया जाता है टी लाइज बिटवीन थ्री एंड फाइव टी लाइज बिटवीन वन एंड थ्री समथिंग लाइक दैट लेकिन जब वो कह रहा है टाइम फॉर विच याद रखें फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन फॉर मीन्स ड्यूरेशन आपसे ड्यूरेशन पूछी गई है याद रखें जो प्रोजेक्शन वाले सवाल होते हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है दिस मीन्स इक्वेजन ऑफ मोशन इक्वेजन ऑफ मोशन विल बीज इक्वेशन ऑफ मोशन में हाइट अब ग्राउंड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट याद रखें जो पार्टिकल जहां से शुरू होता है ना वहीं से उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है कोई अगर मिसाल है है ग्राउंड से शुरू हुआ है, तो ग्राउंड से उसकी डिस्प्लेसमेंट है अगर कोई टावर है और कोई टावर से ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट हुआ ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें एक पार्टिकल जमीन से प्रोजेक्ट होता है एक टावर से प्रोजेक्ट होता है जो पार्टिकल जहां से प्रोजेक्ट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट वहीं से मेजर होगी याद रख लें बात क्योंकि इनिशियल उस पॉइंट पे होगी लिहाजा डिस्प्लेसमेंट भी उसी पॉइंट से देखी जा रही होगी अब वो कह रहा है पीज हाइट अब द ग्राउंड इज ग्रेटर देन मीटर्स तो अगर हम चेक कर लें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से शुरू हुआ और पंद्रह मीटर से ऊपर वो कितनी देर रहा तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फिफ्टीन मीटर्स कर लें तो हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आएंगी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए एक वो टाइम जब पार्टिकल यहाँ से पहुंचा होगा फिफ्टीन की हाइट पर फिर वो पार्टिकल मजीद ऊपर गया ऊपर जाने के बाद घूम के वापस नीचे आया फिर 15 मीटर्स के डिस्प्लेसमेंट पे आया होगा बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस डिस्टेंस इज नॉट 15। जब घूम के आएगा डिस्टेंस ट्रेवल तो ज़्यादा होगी जब जा रहा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी बट घूम के आएगा डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर हो चुकी होगी बट डिस्प्लेसमेंट फिफ्टी ही होगी तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्व टू फिफ्टीन करके टाइम की दो वैल्यूज निकाल लें तो टाइम की जो पहली वाली वैल्यू होगी और दूसरी वाली वैल्यू होगी उनके दरमियान पार्टिकल पी जो है वो 15 मीटर से ऊपर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 15 करके टाइम की जो दो वैल्यू जाएंगे इनको सब्ट्रैक्ट करके ड्यूरेशन आ जाएगा अच्छा एक तरीका तो ये क्या आप इक्वल टू के साथ कर लें एक तरीका ये कि हाइट इज ग्रेटर देन 15 तो आप डायरेक्ट s इज ग्रेटर देन 15 ही यूज करें इन देखें फिर क्या होता है जो तो मैंने किया है अगर मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फिफ्टीन तो मैंने आपको बता दिया दो टाइम की वैल्यू जाएंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बट अगर ग्रेटर देन फिफ्टीन आ रहा है आप लेते ही एस ग्रेटर देन फिफ्टीन है तो फिर कॉर्डरेटिक इनक्वालिटी बनेगी जो आप पी वन में भी पढ़ते हैं पीथरी में भी पढ़ते हैं कॉर्डरेटिक इनक्वालिटी पी वन में आपने जब कॉर्डरेटिक पहला ही टॉपिक पढ़ा था उसमें कॉर्डरेटिक इनक्वालिटी आपने पढ़ी थी तो कॉर्डरेटिक इनक्वालिटी जो है कॉर्डरेटिक इनक्वालिटी में आपसे डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन फिफ्टीन का जिक्र हो रहा है uh, मतलब सॉरी कॉर्डरेटिक इनक्वालिटी में आपने ग्रेटर देन फिफ्टीन वाली चीज़ को ग्रेटर देन समथिंग ग्रेटर लेस देन समथिंग को कैटर किया तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ अगर आप एस ग्रेटर देन करते हैं written, 15. So, S 15. Now, S? So, usually, इस तरह के सवाल में भी वैसे भी एस का फॉर्मुला इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक एस इकोस्टो यू टी प्लस हाफ दिस इज वेरी कॉमनली यूज इन सच क्वेश्चन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है डिस्प्लेसमेंट तो और इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रही होती है बट जब डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का जिक्र आ रहा होता है ऐसे सवाल में तो डिस्प्लेसमेंट का यही वाला इक्वेशन यूज हो रहा होता है एस इकोस्टू यूटी प्लस हाफ ए टी ज यू टी वॉट इज यू इनिशियल क्योंकि प्लस हाफ ए टी स्क् याद रखें एक जनरल रूल जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी नेगेटिव टेन अगेंस्ट ग्रेविटी एक तो आपको पता है जब फ्री फॉल मोशन होता है फ्री फॉल मोशन किसे कहते हैं जब मूवमेंट हो रही हो और कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद ना हो सीआई सिलेबस मेंशन करता है कि अगर मैं एयर रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा तो उसको कंसिडर करना अगर मैं जिक्र नहीं करूंगा तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं लिहाजा हम उसको कंसिडर ही नहीं करते जब वो लिखा लिखी हुई नहीं होती और जब एयर रेजिस्टेंस वगैरह या कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो उस केस के अंदर फिर एक, उस केस में फ्री फॉल मोशन कहलाता है और उसमें एक्सरेशन कॉन्स्टेंट होती है एंड दैट इज अब अवे फ्रॉम द ग्राउंड पूछे जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड आस्ते आस्ते स्लो होती है जब बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड आहिस्ते आहिते स्लो होती है मतलब वो डिसलरेट करती है तो एक्सरेशन ऊपर जाते हुए माइनस टेन और अगर हम बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं हालांकि हम पावर नहीं लगाते सिर्फ ड्रॉप करते हैं तो अगर नीचे फेंकें और ये सिर्फ ड्रॉप करेंगे ड्रॉप भी करेंगे तो वो उसकी स्पीड बढ़ेगी मतलब वो एक्सेलरेट करेगी तो अवे फ्रॉम द ग्राउंड एक्सेलरेशन विल बी माइनस टेन बिकॉज इट्स डी एंड टूवर्ड्स द ग्राउंड एक्सेलरेशन इज टेन ये बात आप याद रखें सही? अवे फ्रॉम द ग्राउंड ए इज माइनस टेन Meter per और द ग्राउंड जब जाएंगे तो ए टेन हो जाएगा अच्छा अभी तो अवे फ्रॉम द ग्राउंड की बात हो रही है तो अब क्या करें भाई हाँ जी तो यू टी प्लस हाफ ए टी जगह ट्वेंटी ले लिया ए की जगह माइनस टेन लिया टी की जगह टी छोड़ दिया आप देखें ट्वेंटी टी माइनस फाइव टी स्क्न बट आपको का उसूल पता है कि मैंने कहा था जो टी स्क्वायर होता है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए उसको पॉजिटिव करने के लिए देखें क्या करेंगे या तो पहले फिफ्टीन को यहाँ लिया फिर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें जब पूरी इनक्वाटी माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो इन का साइन रिवर्स हो जाएगा जब पूरी इनक्वालिटी जो है माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो इन का साइन रिवर्स हो जाएगा याद रहे पूरी इनक्वालिटी जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो इनक्वाइटी का साइन रिवर्स हो जाएगा अच्छा या तो इस तरह कर लें या फिर माइनस फिफ्टी स्क्वायर को शिफ्टी वहां कर दें ट्वेंटी टू को भी मान लीजिए तो जब ये वहां चला गया फाइव टी स्क्र हो गया ट्वेंटी टी वहाँ चला गया माइनस ट्वेंटी टी हो गया फिफ्टीन वहीं रह गया प्लस फिफ्टीन बट अब जब सारे वहीं चले गए तो इनक्वाटी का मुंह जिस तरफ है वहां पर जीरो बचा तो हमने इसको इस तरह लिख दिया कि जीरो की तरफ इनक्वाटी का मुंह घुमा दिया क्योंकि सारे हमने इस तरफ लिख दिए घुमा के तो ये हो गया फाइव टी स्क्र माइनस ट्वेंटी टी प्लस फिफ्टीन लेस देन जीरो अब आपको ये पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है और लेस देन वाली इनक्वालिटी है तो आप बिटवीन द टू रूट्स याद करें इंक्वायरी में आपको सिखाया गया था कि डायरेक्ट आंसर मत देना पहले रूट्स निकालना फिर स्केच करना फिर आंसर देना लेस देन है तो एक आंसर होगा सिंगल आंसर होगा बिटवीन द टू रूट्स और अगर ग्रेटर देन है तो दो आंसर्स होंगे छोटे रूट से पहले वाला रीजन बड़े रूट से बाद वाला इफ यू रिमेंबर मैंने इतना का बताया था ग्रेटर देन होता है तो ये दो रीजन होते हैं एक्स है, X है वन और फाइव तो एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन फाइव ग्रेटर देन इक्वायरी में ये केस होता है और लेस देन के केस में ये होता है कि बिटवीन द टू रूट्स आंसर दिया जाता है तो वन और फाइव है तो एक्स लाइज बिटवीन वन एंड फाइव तो लेस देन वाली निक्व... लेस देन जीरो में ये वाला ग्राफ होता है ग्रेटर देन जीरो में ये वाला ग्राफ होता है पी वन में भी पढ़ाया पी थ्री के अंदर शुरू के टॉपिक में भी ये चीज रिवाइज हुई फिर आपने देखा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनी अच्छा मैंने फाइव से डिवाइड करके सिम्प्लीफाई किया मिडलम ब्रेकिंग की रूट्स निकालने के लिए कॉर्डरिक फॉर्मला भी लग सकता था कम्प्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता था और मिडलम ब्रेकिंग भी हो सकता था सबसे आसान मिडलम ब्रेकिंग है हमने मिडिलम ब्रेकिंग की टी माइनस वन टी माइनस थ्री लेस दिन जीरो आंसर आ गया टी लाइज बिटवी वन एंड थ्री अच्छा अब क्या ये आंसर एक्सेप्ट होगा यहाँ उसने ये आंसर एक्सेप्ट किया है बट ये एहसान है एग्जामिनर का हर दफ़ा ये आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा सर क्या हम हाँ, आप इजाज़त देते हैं कि इस फॉर्म में आंसर दें मैं इजाज़त नहीं देता आज एक्सेप्ट किया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर हम सर पकड़ के वो भाई उसने पूछा 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 है है। है है? है देना जो उसी से आंसर देंगे। उसने क्या है? अगर वो of of tea, of of particle, अगर पूछता ना फाइंड फाइंड द द द सेट सेट ऑफ 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 वैल्यूज वैल्यूज टी, टी टी फॉर पार्टिकल को डिफाइन टाइम सेट सेट वैल्यूज़ वैल्यूज़ ऑफ़ ऑफ़ टी का जिक्र करता है, टाइम पूछता उस केस में वन से लेकर थ्री तक चल जाता बट वो कह रहा है टाइम फॉर विच विच मीन्स ड्यूरेशन पूछी गई है तो वन से थ्री के दरमियान कितने हुए? एक वन सेकंड से ज्यादा थ्री सेकंड से कम माइनस कर दें थ्री माइनस वन ड्यूरेशन इज थ्री माइनस वन टू तो प्लीज रिमेंबर यू है बट उसने बिटवीन वन एंड थ्री को भी एक्सेप्ट किया है ड्यूरेशन जो टू सेकेंड है उसको भी एक्सेप्ट किया है और जो इनिक्वालिटी है, है तो ये यह यहां उसने हर दफा यह नहीं करेगा। याद रख लें बात। हर एक्सेप्ट नहीं होगा तो में रख लें। लिहाजा या उसने एहसान करके एक्सेप्ट किया है बट नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा तो पेनालाइजेशन हो सकती है आपने ये आंसर देना है तो कैसे पक करें ड्यूरेशन देनी है फॉर से टाइम फॉर विच तो ये हमने पहले पार्ट का आंसर आपके सामने रख दिया सही है पहले पार्ट मुझे इसे क्लियर टू एवरी वन पार्ट टू डिस्कस कर लेते हैं फिर आप कॉपी कर लीजिएगा बेशक, बेशक्रीन yes, शॉट ले लीजिएगा कहना चाह रहा है पी एंड क्यू की वेलोसिटी निकालो एट द इंस्टेंट याद रखें जब भी वो किसी इंस्टेंट का जिक्र करता है ना इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम जब भी वो इंस्टेंट का जिक्र करता है ना तो आप याद रखें सबसे पहले आपने वो इंस्टेंट ही निकालना होता है है कह रहा पी एन क्यू की क्यू की वैल्यू वेलोसिटीज बताओ जिस वक्त पार्टिकल सेम हाइट पर है तो सेम हाइट का क्या मतलब है सेम हाइट का मतलब है दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ p इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ q ये बात आपने इस्तेमाल करनी है अच्छा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपसे कहा था ut प्लस 1/2 at स्क्वायर लगता है ये अभी ये लगेगा लेकिन बस फर्क ये होगा कि दोनों का टाइम सेम नहीं होगा क्यों भाई क्योंकि q इस प्रोजेक्टेड पॉइंट इसका इसका इस्तेमाल पार्ट 1 में तो नहीं हुआ ना इस चीज का इस्तेमाल पार्ट 2 में होना द टाइम फॉर व्हिच So, निकालने के लिए मुझे तो लेना पड़ेगा तो पी के टाइम को मैं टी मान रहा हूं तो के को -4 मानूंगा या अगर को के को मान तो क्योंकि पी पहले निकला था जो पहले निकलता है वो टाइम ज्यादा लेता है तो पी का टाइम टी प्लस पॉइंट फोर हो जाएगा सही है लेकिन मैं क्योंकि यहाँ सवाल में पी के टाइम को टी मानूंगा क्योंकि पी पहले निकला तो क्यू जो के बाद में निकला उसने कम टाइम लिया होगा उसके

Ut square, दो जगह दोनों अब क्या अब ये a -B से होगा, नहीं होगा सब जानते बूझते जब इस तरह के सवाल आते हैं बच्चा टी स्क्ट फोर स्क्वायर करते थे। वो भाई जब भी ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं और होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है इट्स जो पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होते हैं पावर इज टू थ्री टर्म्स इन टोटल तो यू टी, टी, टी माइनस पॉइंट फोर का स्क्वायर खुलेगा ए स्क्वाइन टू ए बी प्लस बी ट्वेंटी फाइव बी मल्टीप्लाई होगा सिंप्लीफिकेशन होगी कैंसिलेशन होगी देखें वर्किंग और पॉइंट टू आ जाएगा अब वो उसने कहा था वेलोसिटी निकालो एट द इंस्टेंट तो इंस्टेंट आ चुका है टी वन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला यूज होता है so मुताबिक एक, एक में आप टाइम लेंगे टाइम पी का टाइम लेंगे टी की वैल्यून पॉइंट टू आ रही है और क्यू का टाइम तो हमने टी माइनस पॉइंट फोर माना था

यहाँ आपकी दोनों वेलोसिटीज पॉजिटिव है इसका मतलब जब इनकी हाइट सेम हुई थी जब दोनों के दोनों ऊपर ही ट्रेवल कर रहे थे कोई भी यू टर्न लेकर नहीं आया मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब बोथ ऑफ देम दर गोएंगा अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो इसका मतलब था कि एक चीज एक घूम के आने लगा था तो उसके बाद फिर ये लोग सेम हुए ऐसे भी सवाल होते बहरहाल यहाँ पर नहीं तो पार्ट वन पार्ट टू मेरे ख्याल से मैंने दोनों आपको समझा दिए हैं मुझे एक्नोलेज करें क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या दोनों पार्ट्स आपको क्लियर है इज क्लियर टू एवरी वन स्क्रीन शॉट ले लें और क्लियर एंड डन दें तो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड अच्छा क्वेश्चन नाइन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन चलें जी रहमान रहीम क्वेश्चन इलेवन का आगाज करते हैं पार्टिकल पी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट पासिस थ्रू द पॉइंट ओ ऑफ द लाइन वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो वेयर टी इज इन सेकंड्स पीज वेलोसिटी आफ्टर लीविंग ओ इज गिवन बाय ये आपके सामने का एक्सप्रेशन दिया सेकेंड ओ से पार्टिकल गुजरा स्पीड फाइव के साथ जब टाइम जीरो था पार्टिकल पी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पार्टिकल पी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इट पासिस सेकेंड at time t equals to zero, where t is in seconds, and p's velocity after leaving O is given by. अभी p की velocity आपके सामने मौजूद है. The velocity of p is increasing when t lies between zero and t one. And when t is greater than t two, and the velocity of p is decreasing when time lies between t one and t two. अब देखें वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग जो है ना इससे आपको पिक होना चाहिए फॉरन फॉरन पिक होना चाहिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है हाँ भाई क्या मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीजिंग का चैट पे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी इज इंक्रीजिंग क्या पिक होता है जैन में क्या आता है इससे Very good. The is Now, मतलब ए इज ग्रेटर जो पार्ट वन में हमें करना है वो ये करना है फाइन दैल्यूज टी वन एन टी टू एंड पी वी टू अब देखें सेवन मार्क्स है आपके पासिटी का एक्सप्रेशन मौजूद है तो आपको ये सीक्वेंस याद करवाई गई है एस वी ए तो वो कह रहा है वैल्यूज ऑफ टी वन एंड टी टू निकालो तो टी वन और टी टू निकालने के लिए आप क्या करेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग है ना तो ए ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो सबसे पहले वी से डिफरेंशिएट वी को डिफरेंशिएट करके ए निकालेंगे और जो ए का एक्सप्रेशन आएगा उसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे तो उससे आपको टी वन और टी टू के वैल्यूज का पता चल जाएगा और फिर आपको कह रहा है एंड डिस्टेंस ओ पी वैन टी टाइम इज जब टाइम टी टू हो चुका है तो इस वक्त डिस्टेंस ओ बताओ अच्छा डिस्टेंस ओ का मतलब यह है कि पार्टिकल पी की डिस्टेंस फ्रॉम ओ और याद रखे डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट वॉट इज पी पी इज द पार्टिकल इज ओ ओ इज द दिक्स पॉइंट इट पास थ्रू द पॉइंट ओ ऑफ द लाइन विद विदोसिटीफाइड ओ इज एक फिक्स पॉइंट है तो पार्टिकल पी की डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट हो तो जब डिस्टेंस का लफ्ज भी लिखा हुआ हो लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉइंट मैंशन हो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम ओ अच्छा हालांकि ये अच्छा देखिए अब ये है तो डिस्प्लेसमेंट बट क्योंकि लफ्स डिस्टेंस लिखा हुआ है लिहाजा अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आएगी तो डिस्टेंस देने के लिए नेगेटिव को इग्नोर करेंगे डिस्टेंस ओ पी का मतलब है ओ से कहां पर पार्टिकल है तो अगर मिसाल है माइनस टेन आंसर आ रहा है माइनस टेन मीटर तो इसका मतलब पार्टिकल पी जो है वो ओ से टेन मीटर्स लेफ्ट पर है तभी माइनस टन आंसर आ रहा है तो डिस्टेंस ओपी तो टेन मीटर ही होगी अच्छा अब एक्चुअल डिस्टेंस तो ये होती है कि पहले पार्टिकल पी राइट गया फिर घूमा फिर लेफ्ट आया तो एक्चुअल डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा थी बट उसने एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पूछी तो ये डिस्टेंस ओ ना प्योरली डिस्प्लेसमेंट है ना प्योरली डिस्टेंस ये डिस्टेंस ओ बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ बट क्योंकि लफ्ज डिस्टेंस के साथ है लिहाजा इसको पॉजिटिव में देना होगा सही है तो अब अब जो है इसका मतलब ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन चाहिए होगा तो एस वी ए के मुताबिक डिफ्रेंशिएट करके ग्रेटर दन जीरो करेंगे तो टाइम की वैल्यूज पता चलेंगी और ए को जब सॉरी वी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा उसमें टाइम की वैल्यू टी टू रखेंगे तो हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा लेकिन अगर वो आंसर नेगेटिव हमें उससे डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा सॉरी लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो क्योंकि हमें डिस्टेंस देनी थी तो हम पॉजिटिव में ही देंगे तो क्योंकि यहाँ डिफ्रेंसेशन भी करनी है इंटीग्रेशन भी करनी है तभी सेवन मार्क्स है वरना इस पर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं तो हमने कहा वेलोसिटी इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो ग्रेटर जीरो करेंगे खुद समझ आ जाएगा अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी टाइम पे हमेशा बेहतर होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवेन है ना उसको आप पहले इस तरह के एक लाइन डायग्राम के अंदर शामिल कर करने स्ट्रेट लाइन बना के थोड़ा कॉन्सेप्टी आपको अच्छा समझ आ जाता है इस तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जीरो टाइम जीरो से लेकर टी वन तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पार्टिकल पी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी लिहाजा ए ग्रेटर देन जीरो टी वन और टी टू के दरमियान ए लेस देन जीरो और टी टू के बाद ए ग्रेटर देन जीरो ए ग्रेटर देन जीरो, जीरो एंड ग्रेटर क्योंकि हम इनिशियली ए ग्रेटर देन जीरो अगर लेकर काम करते हैं तो एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन चाहिए होगा तो इसको डिशिएट करते हैं v पे खड़े हैं, ए पे जाना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशियट करें थ्री टाइम जीरो प्लस एट कॉन्स्टेंट गायब हो गया डिफरेंशियट ओके ग्रेटर अ क्वाड्रेटिक इक्वालिटी व्हाट इज दिस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन सही जी ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अब क्वार इनिक्वा को सॉल्व करने का तरीका पता है वही बात जो अभी स्टेप्स मैंने आपको पिछले सवाल में दोहराए दो थे कि सबसे पहले आपने जो है वो रूट्स निकालने होते हैं फिर आपने स्केच करना होता है उसके बाद फिर आप स्केच को देखते हुए आंसर देते हैं क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इनक्वा ग्रेटर देन दे जीरो है लिहाजा जब स्केच होगा तो दो रीजन होंगे छोटे रूट से पहले वाला रीजन क्योंकि ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है अबव द एक्सिस पॉजिटिव वाले रीजन दो पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव रीजन इसका मतलब छोटे रूट से पहले और बड़े रूट के बाद टी वन में अच्छी तरह ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो दो रूट्स आएंगे उसमें पहले रूट से पहले और बड़े रूट के छोटे रूट से पहले और बड़े रूट के बाद आंसर होगा तो पहले तो हम जीरो पॉइंट डबल जीरो सिक्स से पूरे को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन ताकि डेसिमल का चक्कर खत्म हो जाए तो ये हमारा बन गया टी स्क्र माइनस फोर्टी टी प्लस थ्री हंड्रेड ग्रेटर देन जीरो अब या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें या फिर टर्म ब्रेकिंग करें क्योंकि टर्म ब्रेकिंग यहाँ पर हो सकती है थर्टी टेन या थ्री हंड्रेड होता है थ्री हंड्रेड टी है पहले और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके थ्री हंड्रेड टी के फैक्टर्स हैं थर्टी मल्टीप्लाई बाय टेन टी स्क्र माइनस थर्टी टी माइनस टेन टी प्लस थ्री हंड्रेड ग्रेटर दैन जीरो टी अगर हम कॉमन ले लें ले तो टी ब्रैकेट टी माइनस थर्टी माइनस टेन कॉमन ले लें तो टी माइनस थर्टी ग्रेटर देन जीरो अब टी माइनस थर्टी को अगर हम कॉमन ले लें तो टी माइनस टेन एंड टी माइनस थर्टी हो जाएगा अब आपको पता है दो रूट्स आ जाएंगे टेन और थर्टी क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है दो आंसर्स हैं छोटे रूट से पहले बड़े रूट के बाद तो यहां से आपका आंसर आएगा टी इज ग्रेटर यहाँ उसने लिखा हुआ क्या था हमारा आंसर आ रहा है टी इज लेस मुताबिक हमारा टाइम इज ग्रेटर और टी लेसन टी वन था तो टी देन टेन आ रहा है अच्छा ग्रेटर देन जीरो तो नहीं आ रहा था हमारा लेकिन ऑब्वियस है ना जब टाइम लेस टेन है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो ग्रेटर देन जीरो खुद लगा देते हैं तो ए ग्रेटर देन करके मेरे पास जो है ये वाला आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया अब इस इन आंसर्स को गिवन वैल्यूज से कंपेयर कर लें तो टी वन की जगह पे क्या आ रहा है टेन और टी टू की जगह पे क्या आ रहा है थर्टी तो टी वन इज टेन एंड टी टू इज थर्टी तो मैंने यहाँ यहीं से आंसर्स को देखा मुझे पता चल गया टी वन जो है वो टेन है और टी जो है वो थर्टी और अगर लेट सपोज मुझे ये वाला निकालना था ये वाली चीज़ तो अगर मैं ए लेस देन जीरो करता तो मेरे पास आंसर आया था बिटवीन टेन एंड थर्टी टी लाइज बिटवीन टेन एंड थर्टी आ जाता तो टी वन की जगह आप देख लें अभी भी टेन लिखा हुआ है और टी टू की जगह भी थर्टी लिखा हुआ है तो टी वन की वैल्यू टेन है और टी टू की वैल्यू थर्टी है तो आप ए लेस देन जीरो करके करते तो फिर इससे कंपेयर कर लेते ए ग्रेटर देन जीरो करते तो फिर इनसे कंपेयर कर लेते वेलोसिटी इंक्रीजिंग को देख रहे हैं तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो इससे कंपेयर करेंगे अपने आंसर्स को और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग को देख रहे हैं तो ए लेस देन जीरो करेंगे अपने आंसर को इससे कंपेयर करेंगे दोनों सूरतों में आपको टी वन टी टू के वैल्यूज़ का पता चल जाएगा अच्छा फिर आपको डिस्प्लेसमेंट जब निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट दिस जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं है पावर ब्रन से एड करें और नई पावर को डिवाइड करते हैं जीरो पॉइंट डबल जीरो टू टी पावर फोर अपॉन फोर जीरो वन वन टू टी क्यूब अपॉन थ्री वन पॉइंट एट टी स्क्र अपॉन टू प्लस फाइव टी प्लस सी जब सी निकालने के लिए कोई इनिशियल फैक्ट चाहिए होगा इनिशियल फैक्ट का मतलब जब से ये एक्सप्रेशन वैलिड है तो ये एक्सप्रेशन तो शुरू से वैलड है टाइम जीरो के बाद से है

तो हम टी टू डिस्प्लेसमेंट निकालने के सी निकालने के लिए हम फैक्ट यूज करेंगे क्योंकि ओ से ओ पी ओ पी चाहिए इसका मतलब फ्रॉम ओ रिक्वायर्ड है देन में रखेंगे बात when वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ तो इसका मतलब एट ओ हमें इनिशियल मैटर्स पता होने चाहिए कि ओ पे टाइम जीरो पे क्या मामला था तो क्योंकि पार्टिकल पी की वेलोसिटी तो हमने देखी ही आफ्टर लीविंग ओ थी और टाइम शुरू ही ओ लीव करने के बाद हुआ था तो एट ओ टाइम टो एंड डिस्प्लेसमेंट यही इनिशियल फैक्ट बन जाए टाइम जीरो एस वॉज जीरो सी वॉज जीरो काफी सवाल में ये वाला फैक्ट हम यूज कर रहे होते हैं बट पिक होना जरूरी है ऐसा नहीं अंदाज हमेशा यही फैक्ट यूज़ करें नो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस यू हैव टू थिंक

तो जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट यू टर्न अगर नहीं आता तो जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होती है मतलब हाँ बिल्कुल सही लेकिन अगर यू टर्न है तो डिस्टेंस अलग डिस्प्लेसमेंट अलग मतलब जब डिस्टेंस ओपी लिखा हुआ है इसका मतलब एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालनी बस फिर ओपी है इसका मतलब दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ एंड डिस्टेंस है इसका मतलब हमें वैल्यू को पॉजिटिव में देना है बस ये मतलब अगर ये प्योरली डिस्प्ले अगर प्योरली डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर दे सकते प्योरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पी तो फिर हमें जो तरीका मैंने नोट्स में बताया था वो फॉलो करना पड़ता फिर एक्चुअल डिस्टेंस निकलती टेबल बना के कंस्ट्रक्ट अ टेबल बिफोर डूइंग दैट सही है तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात बता दी तो यहाँ पर हमें फिर टाइम की वैल्यू को डालना था तो टाइम थर्टी थी टी टू की वैल्यू थी थर्टी टी टू बाई डिस्प्लेसमेंट बतानी थी अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ चुका है सी जीरो है टी थर्टी को आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चार जगह पर डालना होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर टी थर्टी को आप पुट इन करें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी टू एटी फाइव तो टाइम थर्टी द डिस्प्लेसमेंट इज टू एटी फाइव मीटर्स सही है ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन नंबर इलेवन है टेन मार्क्स का टेन मार्क्स का क्वेश्चन नंबर इलेवन है वो हमने नहीं सॉरी पार्ट वन किया है अभी पार्ट टू नहीं किया पार्ट नो मुझे बताएं सबको क्लियर है पार्ट वन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है देखे सवाल आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वरना आप फंसेंगे अच्छा देखिए देखें पार्ट टू में देखें द वेलोसिटी ऑफ पी टी इज टी टू वसिटी ऑफ पी बताओ जब टाइम टी टू है तो ये तो मुश्किल नहीं है पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है टाइम टी टू वेलोसिटी बताओ भाई तो टाइम टी टू टी टू की वैल्यू आई थी थर्टी तो थर्टी को आप पुट इन कर दें वेलोसिटी के गिवन एक्सप्रेशन में तो आपका विलासिटी आ जाएगी अच्छा एन स्केच दिलास टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ पी अब आप देखिए मोशन है

और फिर उसके बाद टी ग्रेटर दैन थर्टी में ए अगेन पॉजिटिव तीन फेजेज हैं टाइम टेन से पहले टाइम टेन और थर्टी के दरमियान टाइम थर्टी के बाद तीन फेजेस दिखाने होंगे आप अच्छा देखिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा ना तो आपको याद रखना है कि दो तरीके से हो सकती है मामला दो चीज़ें देखकर अपने कॉन्सेप्ट को लॉक करना होता है क्योंकि इसमें गड़बड़ेशन के बहुत चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं वेलोसिटी का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी का इक्वेशन आप टेबल ऑप्शन में जाके वेलोसिटी का जो इक्वेशन है ये डालेंगे तो टी की वैल्यूज के ऊपर आपको ग्राफ की वैल्यूज पता चल जाएंगे वैल्यूज क्या क्या की वैल्यूज है मैं आपको बताता चलूँ टाइम जीरो टाइम टेन टाइम थर्टी जीरो से टेन के दरमियान भी पता चलेगा टेन से थर्ट के दरमियान में पता चलेगा थर्टी के बाद भी कोई वैल्यू ले लें मिसाल है थर्टी फाइव तो ये क्यूबिक है वेलोसिटी जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्यूबिक है आप क्यूबिक की स्केचिंग ना आई में तो है वो लेवल में नहीं है आई में क्यूबिक की स्केचिंग है बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो स्केचिंग अगर आपको बहुत परफेक्टली आती है तो अलग बात है वरना तो आप टेबल ऑप्शन में जाएंगे और आप स्केच कर लेंगे क्योंकि यूजली याद नहीं होती तो इसका तरीका यही है कि आप करोड़ टेबल ऑप्शन में जाएँ जो मैं ट्रग्नोमेट्री के लिए सिखाता हूँ ए एस ट्रग्गनोमेट्री में मैंने टेबल फंक्शन में जाना सिखाया है और ए टू ट्रिग्नोमेट्री में जब नोमिका सोल्यूशन इक्वेशन सिखाया था तो उस वक्त भी ग्राफ सिखाए थे तो उस उसको भी मैंने ये बताया था कि आप टेबल ऑप्शन में जाएंगे और टेबल ऑप्शन में जाने के बाद आप इक्वेशन डालेंगे और आपका वैल्यूज़ आएंगे अच्छा अब देखिए जब वैल्यूज़ तो आ जाएंगी टाइम जीरो पे वेलोसिटी फाइव है ये तो पता था टाइम टेन पे वेलोसिटी क्या है टाइम ट्वेंटी थर्टी पे क्या है ये भी पता चल जाएगा थर्टी फाइव पर क्या है पता चल जाएगी बट अब मसला ये है कि मिसाल है आपको पता चल जाता है मैं बल्कि ग्राफ से ही बताता हूँ निकालते हैं पहले टाइम टेन पे वेलोसिटी थर्टीन है टाइम थर्टी पे वेलोसिटी फाइव और जीरो पे फाइव थी अब आप क्या करोगे होगे तो ज़ीरो पे टाइम ज़ीरो पे फिलासफी फ़ाइव है फिर टेन लिखोगे फिर थर्टी लिखोगे ट्वेंटी थर्टी और फिर एंड में आप फोर्टी भी कर दो सही है तो ज़ीरो पे फाइव थी टेन पे थर्टीन है बढ़ी फिर थर्टी पे फाइव हो गई इसका मतलब इस तरह का मामला है अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो किस तरह जाओगे यूं जाओगे या यूं जाओगे यूं जाओगे या यूं जाओगे ये बात कर रहा हूँ देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मिसाल है टाइम टेन पे ही हमारा मैक्सिमम पॉइंट तो आपने ये बात भी हमने चेक की थी कि ए ग्रेटर दैन ज़ीरो ज़ीरो से टी वन के दरमियान जो है ए पॉजिटिव है ज़ीरो से टी वन के दरमियान एक्सेलेशन इज़ पॉजिटिव अच्छा मुझे एक मिनट दें समन इज ऑन द डोर जस्ट गिव मी अ मिनट दरवाज़ा खोलना ज़रूरी था घर पे कोई था नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गई बहरहाल कंटिन्यू करते हैं टाइम ज़ीरो पे एज जीरो सी ज़ीरो पे हमारा यहाँ तक हमारा काम हो गया था मैं बात कर रहा था कि भाई आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डालेंगे अब उसमें ना आपको टेबल ऑप्शन में स्टार्ट देना होता है तो आप स्टार्ट के लिए टी आ, स्टार्ट कर सकते हैं टी ज़ीरो से और टेन टेन सेकेंड्स का इंटरवल लेकर एंड कर दें फोर्टी पे पूछता है स्टार्ट कहाँ से करना है आप कर दें ज़ीरो एंड कहाँ करना है आप कर दें फोर्टी और अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं तो स्टेप आप फाइव का लें ज़्यादा पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो जीरो पे क्या है फाइव पे क्या है टेन पे क्या है ट्वेंटी पे क्या सॉरी जीरो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी तो पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी तो तीन स्टेजेस होनी चाहिए जीरो से टेन के दरमियान अब देखें याद ये रखें क्यूबिक ग्राफ का शेप इसी तरह होता है ऊपर जाता है नीचे आता है बल्कि ये सिखाया जाता है कि अगर क्यूबिक के अंदर टी क्यूब का कोफिशन पॉजिटिव है तो अप डाउन अप पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा अगर टी क्यू का कोफेशन पॉजिटिव है तो अगर ये माइनस होता मिसाल है तो फिर डाउन अप एंड डाउन अगर टी क्यू का कोअेशन नेगेटिव हो तो डाउन अप डाउन दो दफ़ा डाउन होता है एक दफ़ा अप होता है डाउन अप डाउन डाउन से शुरुआत होती है और अगर प्लस होता है प्लस होता है तो फिर अप डाउन और अप इस तरह से मामला तय पाता है सही है तो आप क्यूबिक कर्व का शेप को पता होना चाहिए और अगर आपको और फिर अगर ग्रेडियंट का पता लगाना है तो याद रखें अगर आप ग्रेडियंट चेक करना चाहते हैं आपको ये नहीं पता कि भाई कर्व यूं जाना है कर्व तो पता है वैल्यूज तो आ गई जीरो पे फाइव है टेन पे थर्टीन है फिर ट्वेंटी पे आपकी कोई वेलोसिटी आ रही होगी थर्टी पे फाइव आ रही होगी फिर फोर्टी पे कुछ आ रही होगी वेलॉसिटी तो पता चल गई बट अब ग्रेडियंट का पता नहीं चल रहा तो ग्रेडियंट के मतलब ग्रेडियंट इनकी अब देखें ना अगर कर्व यू बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है मुझे एक्सेलरेशन बताता है बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब भी ग्राफ बनाए ना थोड़ा थॉट प्रोसेस को एक्टिव रखें इसलिए ये नहीं कि आपने बस क्यूबिक ग्राफ देख लिया तो मतलब इस तरह के ये तो क्यूबिक है चलिए और भी ग्राफ्स होते सो जब तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होता ना ग्राफ में गड़बड़ेशन हो जाती है गड़बड़ हो जाते हैं ग्राफ सही नहीं बनते तो राइट right मेथोडोलॉजी क्या है कि आप सोचें कि जब बिलोसरी टेमोग्राफ बना लें तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो देखें ही देखें साथ साथ एक्सलेशन का एक्सप्रेशन भी देखें अब एक्सिलेशन का एक्सप्रेशन अगर आप देखते हैं ना तो जीरो से लेकर टेन तक आपको ग्रेडियंट यानी कि एक्सीेशन कम होती हुई नजर आएगी तो एक्सलेशन इज द ग्रेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेमोग्राफ काशन है तो अगर आपको ग्रेडियंट की मूवमेंट पता लगानी है कि कर्व का ग्रेड डिक्रीजिंग है क्योंकि देखें ये बेंडिंग टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल का मतलब डिक्रीजिंग ग्रेडियंट और बेंडिंग टुवर्ड्स वर्टिकल वर्टिकल की तरफ अगर कर्व टर्न कर रहा है तो इसका मतलब टर्निंग ये वर्टिकल की तरफ जा रहा है तो ग्रेड इंक्रीजिंग है और हॉर्जनल की तरफ जा रहा है तो डिक्रीजिंग अब कैसे पता है ग्रेडेंट डिक्रीजिंग है टाइम ग्राफ का ग्रेड एक्सलेशन है और एक्सेशन का एक्सप्रेशन में अगर आप टाइम की वैल्यूज डालेंगे इसी तरह तो आपको नजर आएगा कि ग्रेडेंट आप डाल के देखें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डालेंगे तो आपके पास आपको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी सारी लेकिन अगर ग्रेड का अंदाज़ा लगाना है तो जो एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन है उसको देखें ये आप टेबल ऑप्शन में डालें स्टार्ट करें जीरो से एंड करें फोटी पे स्टेप लें फाइव आपको पता चल जाएगा जीरो से लेकर टेन तक ग्रेडियंट आपका डिक्रीज होता एक्सेशन कम हो रही होगी मुसलसल एक्सेशन कम हो रही होगी कम होते होते एक्सेशन जीरो हो जाएगी तो अगर आपका कर्व यू होता तो एक्सेशन जीरो नहीं होती क्योंकि यहाँ तो, तो ग्रेडियंट मुसलसल बढ़ रहा होता तो जीरो होने के लिए एक्सेशन जीरो होने के लिए यकीन एक्सेशन कम होना जरूरी था एक्सेशन कम होते होते जीरो हो गई अच्छा फिर देखिए यहाँ दो फेजेज हैं यहां से लेकर यहां तक आपकी जो एक्सेलरेशन है पहले वो वेलोसिटी कम हुई है बट वेलोसिटी कम हुई है विद इंक्रीजिंग ये यहाँ ग्रेडियंट आपका इंक्रीज हुआ है और फिर यहां से लेकर यहां तक बेंडिंग कर्व बैंडिंग टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब ग्रेडियंट कम हुआ है तो यहाँ एक साथ यूं नहीं है यूं करव नहीं गया बल्कि पहले आपका यूं गया है फिर टर्न होते यूं आए इसका मतलब पहले ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है इंक्रीजिंग एम और यहाँ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग डिसेलेशन और फिर उसके बाद एक्सेशन जीरो हो गई और फिर उसके बाद एक्सेशन का एक्सेशन यानी कि ग्रेडियंट बढ़ता ही चला गया वेलोसिटी भी बढ़ती चली गई वेलोसिटी बढ़ती चली गई और एक्सेशन भी बढ़ती चली गई तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट सही है तो ये भारत मार्किंग स्कीम है यहाँ पर क्या कहा फॉर विथ वी इंक्रीजिंग फ्राम पॉजिटिव वैल्यू एट टी को मैक्मम देखें पॉजिटिव वैल्यू से मैक्मम तक देन डिक्रीजिज टू अव मिनिमम डिक्रीजिज टू अव मिनिमम इस पर ज्यादा बात नहीं की कि किस तरह से डिक्रीजिंग हुआ है बस से बस डिक्रीजिंग टू तो अ पॉजिटिव मिनिमम तक बात की है बाजार ये इस तरह के शेप पर भी मैटर कंसर्न मतलब रेस कर सकता है हमें स्पेसिफिक होना है कि पहले ये यूँ गया फिर ये यूँ देखिए एक एक तो होता ये बंदा डायरेक्ट यूं कर ले ये नहीं हो सकता था एक कहे बंदा डायरेक्ट यूं कर ले ये भी नहीं हो सकता था तो वो पहले यूं आया फिर वो यूं आया फिर वो ऊपर गया एंड देयर आफ्टर इंक्रीज तीन फेज फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू विच वॉसटी फाइव सॉरी वेलोसिटी फाइव टाइम जीरो वेलोसिटी फाइव थी विलोसटी फाइव से मैक्सिमम तक गई फिर मिनिमम तक आई और फिर दोबारा इंक्रीज हो गई तीन फेजेस हैं जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाज़े तौर पे दिखाने है। सही है तीन मार्क्स आपको इसके मिल गए एक मार्क तो आपको वेलोसिटी निकालने का ही मिलना था टी टू टाइम टी टू पे या एक मार्क तो इसका ही मिल गया बाकी स्केचिंग है दो मार्क मुझे बताएं क्लियर हो गया ये सवाल is it clear to everyone तो देखिए क्वेश्चन 16 सिंपल सवाल है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें मैं बस पार्ट uh, टू के लिए कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था तो मैंने कहा ये सवाल कर लेते हैं पार्ट वन तो सिंपल है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन मॉडल्स द मोशन ऑफ अ पैराशूटिस्ट फॉलिंग वर्टिकली द पैराशूट जो है नीचे गिर रहा था देयर आर फोर स्टेजेस स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर स्टेज फोर एक दो तीन और चार तो फॉलिंग फ्रीली विथ पैराशूट क्लोज पैराशूट बनता तो फ्रीली फॉल हो रहा था इसका मतलब एक्सेशन माइन एक्सेशन टेन होगी एक्सेलेट कर रहा होगा ए टेन आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसका अगर आप ग्रेड निकाल लें तो फाइव सेकंड में फिफ्टी हो गई इसका मतलब हर सेकंड में टेन से बढ़ी है मतलब एक्सेशन इज टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये फ्री फॉल मोशन फिर जैसे ही पैराशूट खुला तो डीसेलेशन एड अट पैराशूट खुला भाई ये तो स्पीड कॉन्स्टेंट और जैसे ही फिर जमीन पे जमीन पे पाँव पड़ गए तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट कमिंग टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली ऑन हिटिंग द ग्राउंड इंस्टेंटेनियसली का मतलब उसी लम्हे उसी टाइम पर फॉरी टोटल डिस्टेंस अब आप देखें यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ आपको टोटल डिस्टेंस देता है तो वो बहुत सिंपल है इसमें लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि देखें किस तरह से निकलेगा कुछ अलग अलग तरीके से हो, होने के चांस हो सकते हैं बट एक आसान तरीका ही इसको मेरे जहन में बिल्कुल आ रहा है शायद इसके अलावा कोई और तरीका है या नहीं आई एम नॉट श्योर लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि okay, अगर कोई बच्चा जो है यहाँ से करने की कोशिश करता है कि भाई ये एक ट्राइंगल है या फिर मिसाले कोई कहता है ये ट्रेपीजियम है नीचे वाला और ये एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल अलग ट्रिपीजियम अलग तो यहाँ वो इसलिए फंस जाता है कि उसको ये टाइम की वैल्यू ही नहीं पता जब टाइम की या तो या निकालनी पड़ेगी कि अगर ग्रेड मुझे पता है इसका टेन है तो जब लॉसिटी एट है तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा तो ये पॉइंट एट हो रहा होगा तो फिर ये कर सकते हो आप कि पहले आप टाइम निकाल लो पॉइंट एट है उसके हिसाब से फिर आप जो है नीचे वाले का ऊपर वाले पॉइंट एट वैल्यू आ जाएगी तो ट्राइंगल ऊपर अलग आ जाएगा और नीचे भी ट्रेपिज़म आ जाएगा या फिर सबसे बेस्ट तरीका जिसमें कुछ निकालना ना पड़े वो ये वाला तरीका है जिसमें एक ट्राइंगल है फिर एक ट्रिपीजियम है और फिर एक रेक्टेंगल आप डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से इसमें तो कोई मसला नहीं होना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आप बगैर किसी इशू पे पार्ट नंबर में अगर मैं डिस्टेंस निकाल ही लू टोटल <coughs> डिस्टेंस इजिक्वल टू सबसे पहले हमने बात की ट्रायंगल की तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ये ट्रायंगल की बात करते हैं तो बेस फाइव है हाइट फिफ्टीन सही तो ये हो गया ट्राइंगल फिट्रिपिजम की बात करते हैं ये वाला हिस्सा प्लस हाफ इंटू हाइट इंटू ये हाइट है फाइव और ट्वेल्व के दरमियान मतलब सेवन और सम ऑफ पैरल के मुताबिक दो पैरल साइड्स हैं एक पैरल साइड जो है आपकी है फिफ्टी और एक है एट एट प्लस फिफ्टी और फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगल है तो ट्वेल्व से लेकर वन जीरो टू तक नाइन्टी सेकेंड्स बनते नाइन्टी मल्टीप्लाई बाई एट प्लस नाइन्टी मल्टीप्लाईट बाय एट आप तीनों फेज को ऐड करके निकाल लें डिस्टेंस शो करनी थी वन जीरो फोर एट मतलब आपकी वर्किंग बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए वन जीरो फोर एट डिस्टेंस का आंसर क्या आ रहा है भाई वन जीरो फोर एट मीटर्स ये वर्किंग आपने इतनी क्लियर कर शो कर दी तो फिर इंशाल्लाह मार्क्स पूरे मिल जाएंगे हेल्थ शो अच्छा पार्ट टू फाइव मार्क्स की रिक्वायरमेंट है आपने पार्टिसिपेट भी करना है सोचना भी है द वेट ऑफ द पैराशूटर्स इज एट फिफ्टी न्यूटन the weight of the parachutist is 850 newton find the upward force on the parachutist due to the parachute during the second stage ab dekhen char stages hai ek do teen aur cha second stage mein puch raha hai upward force on the parachutist due to the parachute during the second stage five marks ki requirement hai क्या करना होगा मुझे बताएं कैसे करेंगे जरा पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं चैट पे अपनी राय से आगा करें how will we do this? एक दो मिनट सोचें फिर मुझे बता सही वेरी गुड गुड पार्टिसिपेशन सही इसी तरह करेंगे होता ही है कि देखें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फेज के अंदर जब एक्सलेशन कॉन्स्टेंट या डी जब एक्सलेशन या डिसरेशन कॉन्स्टेंट हो मतलब एक कॉन्स्टेंट है जब पॉजिटिव या नेगेटिव तो इक्वेजन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूट्रन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगता है नेट फोर्स इक्व टू एम एज तो नेट फोर्स इक्व टू एम एज जब, जब आप यूज करेंगे तो नीचे की जो फोर्स होगी दैट इज गोइंग टू बी वेट और ऊपर ऊपर वाली जो फोर्स होगी उसको आप कहेंगे कुछ भी कह लें अपवर्ड फोर्स ऑन द पैराशूट आर कह लें उसको या कुछ भी कह लें और नेट फोर्स इक्व टू एम ए के मुताबिक जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये वाली आएगी तो ये ये क्या है ये डी है ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी कैसे आएगी ये आप निकाल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इस लाइन का ग्रेडियंट होगा राइज ओवर रन से निकल सकता है नेगेटिव आएगा लेकिन तो फोर्टी टू डिवाइड बाई सेवन 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 फोर्टी नाइन सेवन सिक्स माइनस सिक्स आ रहा होगा तो पहले मैंने डी सेलेन निकाल ली कि डी सेले फोर्टी टू अपॉइंट सेवन राइज ओवर रन से सिक्स आ गई तो एक्सेशन माइनस सिक्स है नेट फोर्स इक्वल्स एम एम ए डी सेलेन नहीं लेते एक्सेशन लेते तो क्योंकि देखें ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो नीचे वेट है ऊपर अपवर्ड फोर्स अब क्योंकि डी सेलेट कर रहा है इसका मतलब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी और वेट कम होगा यकीन तभी डी सेलरेशन हो रही है लेकिन एक बात आप याद रखिएगा अच्छा फाइव मार्क्स के लिए करना कुछ भी खास नहीं था फाइव मार्क्स के लिए दो नंबर तो आपको समझ समझने इसके मिल गए होंगे फिर आपने इक्विजन और मोशन का इस्तेमाल किया तो मेथड का नंबर मिला सही एक्यूरेसी से उसको अप्लाई किया तो एक्यूरेसी का मार्क मिला एफर्ट फोर्स सही निकाली तो एक और एक्यूरेसी का मार्क मिला अक्सर मैकेनिक्स के सवाल में मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं और करने को वर्किंग बहुत कम होती है सही है तो इस लिहाज से अगर वेट आपका नीचे की तरफ है तो याद रखें द डायरेक्शन मैंने एक बात बताई थी द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज द पॉजिटिव डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ वेट है तो वेट पॉजिटिव वेट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया और अपवर्ड फोर्स नेगेटिव हो गया तो नेट फोर्स इक्वल्स टू इक्वीए में किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव लेते हैं ना तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा हो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव है ये बात आप याद रखें तो एट फिफ्टी इज द वेट तो एट फिफ्टी वेट क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नीचे जा रहा है तो एट फिफ्टी पॉजिटिव और तो force, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रजिस्ट कर रही है तभी तो पैराशूट के वैसे ऑब्जेक्ट्स डीसेलेरेट हो रहा है तो 850 माइनस इक्वल्स टू एम और एक की जगह माइनस सिक्स नेगेटिव वैल्यू आएगी वहां जाके ऐड होगी अपवर्ड फोर्स आ जाएगी वन थ्री सिक्स सही है तो वन थ्री सिक्स जी देखिए वर्किंग कितनी छोटी है और फाइव मार्क्स तो बस ये नेट फोर्स एम ए का कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए वाज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बस कॉन्सेप्ट मैंने कहा आपसे डिस्कस करना है तो जो है वो इस हवाले से आपके सामने मैंने रख दी मुझे बताएं क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक क्लियर है सवाल क्लास में मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये सवाल क्लियर हो गया चले हम तो सारे सवाल सबको क्लियर हो गए सारे सवाल